इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग मीसा भारती की प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। आपको बता दें, मीसा भारती को बेनामी संपत्ति मामले में इनकम टैक्स विभाग ने दो बार नोटिस भेजा, लेकिन वो अब तक विभाग के दफ्तर में पेश नहीं हुई, जिसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। बात करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, ये दोनों प्रॉपर्टीज वही है जो दिल्ली में है और जिसके लिए नोटिस भेजा गया था? जी देखिए, एक प्रॉपर्टी जो है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पड़ती है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डी ब्लॉक में, ये एक बंगला है, और दूसरी बिजवासन की का फार्म हाउस है। ये दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, ये बेनामी तरीके से मीसा भारती ने खरीदी हैं। कई सारी शेल कंपनियों का सहारा लिया गया है। मिशेल पैकर्स जो मीसा भारती की कंपनी है, उसके अंदर कई सारी शेल कंपनियों के जरिए रकम आई है। जैन बंधु जो इस समय ईडी की हिरासत में है, और राजेश अग्रवाल जो मीसा भारती का पीए है, सीए है, इन सबसे पूछताछ में इस पूरे लिंक का खुलासा हुआ है। और इसी मामले में ये मीसा भारती को शोकॉज नोटिस जारी की गई है, उसमें इन दो प्रॉपर्टीज का जिक्र है, और ये कहा गया है कि 3 महीने के अंदर आप इसका जवाब दीजिए और अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।